Hello everyone, welcome back to this channel Padhaku Lok. My name is C.S. Payal Popli and हम पढ़ रहे थे class 12th का business studies का NCERT book. इसमें हम चार chapters finish कर चुके हैं. फिलहाल हमारा चल रहा है chapter number 5 जो कि है organizing. I hope आप लोगों ने previous videos देख ली हैं, लेकिन अगर किसी भी student ने नहीं देखी है तो playlist का link लिखा हुआ है description box में जाके देख लीजिए. चलिए अब जानते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं. सी प्रीवियस वीडियो में हमने दो अलग अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात की, जिसमें पहली थी फंक्शनल और दूसरी थी डिविजनल. तो आज इस वीडियो में हम दो और तरह के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें पहला है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर. आई नो यू गाइज आर वेरी इंटेलिजेंट, आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी ये वीडियो आपको देखना अनिवार्य है. रीजन बींग, इसमें मैं आपको इनका मतलब ही नहीं समझाऊंगी, बल्कि इनके फीचर्स के बारे में भी बताऊंगी, इनके एडवांटेजेस के बारे में भी बताऊंगी, डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बताऊंगी एंड डिफरेंसेस भी समझाऊंगी. तो ऑल इन वन वीडियो है ये, जिसमें इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सब कवर किए जाएंगे. तो पूरा का पूरा वीडियो देखना जरूरी है. आई नो वीडियो का लेंथ थोड़ा ज्यादा हो सकता है, उसके लिए यूट्यूब ने ऑप्शन दिया ही हुआ है कि आप 2x करके या 1.5x करके देख सकते हैं. तो चलो फिर हम शुरू करते हैं हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ. भाई देखो, फॉर्मल स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैं बहुत ज्यादा तामझाम वाला एग्जाम्पल ना लेते हुए सिंपल सा एग्जाम्पल लेती हूँ. दैट इज तुम्हारे स्कूल का एग्जाम्पल. अब जब तुम स्कूल ज्वाइन करते हो तो यूजुअली स्कूल में तुम्हें एक ऐसा शख्स दिखाई देता है जो बहुत ही ज्यादा खड़ूस दिख रहा होता है. उसको देखते ही तुम थर थर कांपने लग जाते हो. कौन होता है ये? प्रिंसिपल. आई डोंट नो हर स्कूल के प्रिंसिपल इतने खड़ूस क्यों दिखते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि वो होते हैं, बट खड़ूस दिखते जरूर हैं. अब इन प्रिंसिपल सर या मैम के नीचे आते हैं वाइस प्रिंसिपल, हेडमिस्ट्रेस. हमारी हेडमिस्ट्रेस तो दिखती भी कुछ ऐसे ही थी. उनके नीचे आते हैं डिपार्टमेंट्स के हेड, और उनके नीचे आते हैं आपके क्लास टीचर्स. कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है मोर और लेस हर स्कूल में. What do you think, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या अपने आप एग्जिस्टेंस में आ गया था? कि एक रैंडम इंसान चल के आया, वो बोला मैं प्रिंसिपल बनूंगा, प्रिंसिपल बनूंगा. दूसरा आया, बोलता मैं वाइस प्रिंसिपल बनूंगा. तीसरी आई, मैं हेडमिस्ट्रेस बनूंगी. और जो बाद में आए सबसे लास्ट में, वो बोले चलो अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम टीचर्स ही बन जाते. ऐसा हुआ था क्या? आंसर इज नहीं. ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इंटेंशनली बनाया गया था कि ऐसे एक प्रिंसिपल सर होंगे, वाइस प्रिंसिपल होंगे, हेडमिस्ट्रेस होंगी एंड ब्ला ब्ला. तो ये पूरा स्ट्रक्चर इंटेंशनली फॉर्म किया जाता है. अब आप पूछेंगे क्यों फॉर्म किया जाता है, इतनी क्या काढ़ी थी लोगों को? तो ये फॉर्म इसलिए किया जा सकता है ताकि तुम जैसे शरारती स्टूडेंट थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहें, ताकि आपका ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपका स्कूल स्मूदली चले. ये ना हो कि 10th क्लास का स्टूडेंट 8th क्लास में बैठ रहा है, 8th क्लास का स्टूडेंट 9th क्लास में बैठ रहा है, कोई टीचर किसी को पढ़ाने जा रही है, कोई टीचर कहीं जा रही है, हेडमिस्ट्रेस अपना भिंडी वगैरह लेके आती है स्कूल में, वही काटती रहती है, या वाइस प्रिंसिपल सारा सारा दिन अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर लगे रहते हैं. ऐसा नहीं हो, इसलिए ये प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया गया. सबको पावर्स बांटी गई कि तुम सबसे ज्यादा पावरफुल होगे, तुम उससे कम पावरफुल होगे, तुम उससे कम होगे, और तुम्हारे पास कुछ ज्यादा पावर्स नहीं होंगी, बस तुम स्टूडेंट्स को चिल्ला पाओगे, दैट्स इट. मतलब तुम्हारी पावर सिर्फ स्टूडेंट्स तक लिमिटेड होगी. तो पूरा स्ट्रक्चर इंटेंशनली फॉर्म करने का सिर्फ एक ही रीजन था, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को स्मूदली रन किया जा सके और सबको पता हो कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका जूनियर है, किसको ऑर्डर्स लेने कहाँ जाना है, किसको इंस्ट्रक्शंस लेने किसके पास आना है, और किसको रिपोर्टिंग करने के लिए किस पास जाना है. और क्योंकि ये फॉर्मली बनाया जाता है तो इसे हम बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इट सेज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइंड बाय मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर टास्क. ये बकायदा बनाया जाता है मैनेजमेंट द्वारा, ताकि कोई पर्टिकुलर टास्क अकम्प्लिश किया जा सके. इट स्पेसिफाइज क्लियरली द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देर इज अ सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस एक्टिविटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. यहाँ पे हर इंसान की अथॉरिटी फिक्स की जाती है, हर इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है. जैसे मैंने आपको बताया प्रिंसिपल सर सबसे ज्यादा पावरफुल होंगे, मतलब सबसे ज्यादा अथॉरिटी उनके पास होगी.
एंड एट द सेम टाइम ये सारी चीजें इसलिए भी की जाती हैं ताकि कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे. लास्ट में ये बोलते हैं द स्ट्रक्चर इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी फंक्शनल और डिविजनल. फॉर्मल स्ट्रक्चर को हम फर्दर बाइफिकेट कर सकते हैं फंक्शनल में भी डिविजनल में भी, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन पे जो सूट करे आप वही वाली स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं. और इनके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोज में ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, ठीक है. चलो अब जान लेते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थोड़े से फीचर्स. इट सेज इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप अमंग वेरियस जॉब पोजिशंस. प्रिंसिपल सर का वाइस प्रिंसिपल के साथ क्या रिलेशनशिप रहेगा, हेड मिस्ट्रेस के साथ क्या रिलेशनशिप रहेगा, टीचर्स के साथ क्या रिलेशनशिप रहेगा, ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर फॉर्मल स्ट्रक्चर से आपको पता चलती हैं. सेकेंड ये बोलते हैं इट लेज डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर्स एसेंशियल फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. क्योंकि ये फॉर्मल स्ट्रक्चर है इसको इंटेंशनली बनाया जाता है तो इसको चलाने के लिए कुछ रूल्स भी बनाए जाते हैं जो लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं. भैया क्लास टीचर कभी भी मुंह उठा के प्रिंसिपल सर के कैबिन में नहीं जा सकता ना कि चलो सर आज चाय पीने चलते हैं या कहीं चलते हैं घूमने तफरी मारने चलते हैं, नहीं ना. कुछ रूल्स सेट किए जाते हैं कि भाई प्रिंसिपल सर से मिलना है तो हेड मिस्ट्रेस के थ्रू मिलना होगा, वाइस प्रिंसिपल के थ्रू मिलना होगा. इट इज डेलिबरेटली डिजाइंड बाय द टॉप मैनेजमेंट. ये जानबूझ के बनाया जाता है. फॉर्मल स्ट्रक्चर तैयार करने में एफर्ट्स लगाए जाते हैं, इंटेंशनली इसे बनाया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चल सके. वेयर एज इनफॉर्मल में हम पढ़ेंगे कि वो अपने आप बन जाता है, उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डालता. इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन वर्क टू बी परफॉर्म देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. अब प्रिंसिपल सर है, ये है क्लास टीचर्स. प्रिंसिपल सर को ये क्लास टीचर कौन है, कहाँ से आ रही है, क्या कर रही है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता. एज लॉन्ग एज ये क्लास टीचर अपने अपने क्लास को अच्छे से पढ़ा रही हैं, मैनेज कर रही हैं. तो यहाँ पे इंटरपर्सनल मतलब लोगों के बीच में रिलेशनशिप नहीं बनते हैं बल्कि काम पे ज़्यादा फोकस किया जाता है. प्रिंसिपल सर को बस इतना मतलब होना चाहिए कि ये टीचर अच्छे से पढ़ा रही है कि नहीं पढ़ा रही है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रही है, उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका सीन क्या चल रहा है, उसकी शादी होने वाली है कि नहीं होने वाली है, इससे प्रिंसिपल सर को कोई फर्क नहीं पड़ता है. एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड इंटरलिंक्ड एंड इंटीग्रेटेड थ्रू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, इंटरलिंकिंग है, मतलब उनको जो साथ में चल के काम करना होता है, इंटीग्रेशन होता है, वो फॉर्मल स्ट्रक्चर के थ्रू होता है. तो ये हो गए हमारे फीचर्स फॉर्मल स्ट्रक्चर के. नाउ लेट्स मूव टू एडवांटेजेस. ये बोलते हैं यहाँ पे ईजी है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना. कैसे? अब देखो, ये थी क्लास टीचर जो कि बिजनेस स्टडीज पढ़ाती थी, ठीक है. अब बच्चों के बिजनेस स्टडीज में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो हम किसी भी रैंडम टीचर को उठा के डांट नहीं मारेंगे. हम किसको डांटेंगे? हम ये बिजनेस स्टडीज वाली टीचर को डांटेंगे क्योंकि इसका काम था बच्चों को बिजनेस स्टडीज अच्छे से पढ़ाना. इसकी गलती है कि इसने ये काम अच्छे से नहीं किया. There is no ambiguity in the role that each member has to play as duties are specified. कभी तुमने क्लास में दो टीचर्स को झगड़ते हुए देखा है? अरे बिजनेस स्टडीज का ये पार्ट मुझे पढ़ाना था, तुमने कैसे पढ़ा दिया? अरे अकाउंट्स का ये पार्ट मेरे हिस्से आता था, तुम कैसे पढ़ा रहे हो? कभी नहीं देखा होगा. क्योंकि अगर दो टीचर्स भी तुम्हें सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो पहले से असाइन कर दिया जाता है कि कौन सा टीचर कौन से वाले पार्ट को पढ़ाने वाला है और कौन सा टीचर कौन से वाले पार्ट को पढ़ाने वाला है. इसलिए कभी भी ऐसे तुम टीचर्स के बीच में लड़ाई नहीं देखोगे. ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाली चीज होती है वैसे देखना लायक. Then it says unity of command is maintained through an established chain of command. अब ये unity of command क्या बोलता है? हमने principles में पढ़ा था फ्योल सर के कि एक इंसान को order देने वाला सिर्फ एक ही इंसान होना चाहिए. दो इंसान same इंसान को order नहीं दे रहे हो क्योंकि वहां पे फिर ambiguity आ जाती है. ये इंसान बेचारा confused हो जाता है किसका काम करूँ या उसका काम करूँ. तो इस structure में देखो, हर इंसान के ऊपर सिर्फ एक ही इंसान राज कर रहा होगा, दो दो इंसान राज नहीं कर रहे होंगे. जैसे ये औरत के ऊपर सिर्फ यही इंस्ट्रक्शन के लिए बैठी हुई है, ये औरत के ऊपर यही इंस्ट्रक्शन के लिए बैठी हुई है, ये आदमी के ऊपर यही इंस्ट्रक्शन के लिए बैठे हुए हैं. किसी भी इंसान को दो सीनियर से ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं और यूनिटी ऑफ कमांड यही मेक श्योर करता है कि दो सीनियर से कभी भी आपको ऑर्डर नहीं मिले, आपके ऊपर सिर्फ एक ही सीनियर हो. नेक्स्ट है इट लीड्स टू इफेक्टिव अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स बाय प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर द ऑपरेशंस ऑफ टू बी परफॉर्म्ड एंड इंश्योरिंग दैट ईच एम्प्लॉय नोज द रोल ही इज प्लेइंग. सो ये बोलते हैं एक तो इससे ना गोल्स बहुत अच्छे तरीके से हम क्या कर लेते हैं, फुलफिल कर लेते हैं क्योंकि हर इंसान को पता होता है उससे क्या एक्सपेक्टेड है, वो क्या करना चाहता है, क्या उसका रोल बनता है, तो वो अपने अपने काम में लगा रहता है जिसकी वजह से वो दूसरों के काम में काड़ी नहीं करता है.
जैसे कि स्कूल में हर किसी को पता है कि उसका काम क्या है, उसका रोल क्या है, तो सब वो अपना अपना काम करते रहेंगे, जिससे अल्टीमेटली स्कूल के जो गोल्स होंगे कि हमें स्कूल को फेमस बनाना है, इसकी ब्रांचेस खोलनी है ऑल ओवर इंडिया, वो फुलफिल हो पाएगा. देन इट सेज इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज बिकॉज बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज कैन फेयरली प्रिडिक्टेड सिंस देयर आर स्पेसिफिक रूल्स टू गाइड देम. ये बोलते हैं कि इससे ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी भी आती है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स बने हुए हैं, तो सबको पता है इन रूल्स को फॉलो करना है, तो उनसे क्या एक्सपेक्टेड होगा पहले से ही पता रहता है. वहीं पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्वियसली कुछ लिमिटेशंस भी हैं. ये क्या बोलती हैं? द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लीड टू प्रोसीजरल डिलेज एज द एस्टेब्लिश चेन ऑफ कमांड हैज़ टू बी फॉलोड. देखो भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे ही टीचर मुंह उठा के प्रिंसिपल सर के कैबिन में नहीं भाग सकती, उसको पहले हेड मिस्ट्रेस के पास जाना होगा, हेड मिस्ट्रेस आगे उसको लेके जाएगी प्रिंसिपल सर तक. तो कभी कभार क्या होता है कि ये स्ट्रक्चर जितनी भी बनाई हुई है ना, उसकी वजह से कम्युनिकेशन थोड़ा सा डिले हो जाता है, क्योंकि आपको हर लेवल से पार होते हुए आगे जाना होगा. ऐसे ही हमने चैप्टर 2 में स्केलर चेन का एक प्रिंसिपल पढ़ा था, जो यही बोलता था कि आपको हर लेवल से क्रॉस होते हुए जाना पड़ता है अगर आपको फॉर्मली बात करनी होती है किसी से. पुअर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिसेस में नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट रिकॉग्निशन टू क्रिएटिव टैलेंट सिंस इट डज नॉट अलाउ एनी डेविएशन फ्रॉम रिजिडली लेड डाउन पॉलिसीज. प्रिंसिपल सर ने कुछ पॉलिसी बना दी है हर एक टीचर को फॉलो करनी है, और अगर मेरी तरह कोई क्रिएटिव टीचर हुआ जिसको वो चीज़ नहीं जमी, या वो और किसी तरीके से पढ़ाना चाह रहा है स्टूडेंट्स को, तो उसका तो क्रिएटिविटी पूरा ही लूज हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल सर बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे वहाँ पे आपकी. उन्होंने ऑलरेडी पॉलिसी सेट कर दी हैं, प्लान्स बना दी, तो आपको वो फॉलो करने ही पड़ेंगे. इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप इन एन एंटरप्राइज एज इट प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन द स्ट्रक्चर एंड वर्क. यहाँ पे ह्यूमन्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा फोकस किस पे होता है? काम पे होता है और स्ट्रक्चर पे होता है. यहाँ पे हम लोगों को नहीं समझते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं लोग किस पोजिशन पे बैठे हैं, क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में. यहाँ हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लीट होता है. नाउ लेट्स मूव टू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. अब अगेन एग्जाम्पल किसका लेंगे हम? स्कूल का लेंगे. स्कूल में किसका लेंगे? आपके दोस्तों का लेंगे. भाई तुम स्कूल गए पहले दिन, किसी को जानते थे? नहीं जानते थे. आहिस्ता 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 तुम्हें लाइक माइंडेड लोग मिले. ऑब्वियसली स्कूल में इतने सारे लोग होते हैं, बट स्टिल तुम्हारा ग्रुप 5-6 लोगों से ही मिलके बनता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन लोगों की सोच तुम्हारी सोच से मैच करती है, इन लोगों के साथ तुम्हें मज़ा आता है, इन लोगों के साथ तुम खुल के मस्ती कर पाते हो, तुम्हें सोचना नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, इनसे तुम अपने आइडियाज डिस्कस कर पाते हो, वो तुम्हें समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, ऐसा ही ना? क्या ये दोस्ती जबरदस्ती करवाई जाती है कि टीचर ने बोला कि आज से ये ब्लू टी शर्ट वाला, ग्रीन टी शर्ट वाला, येलो टी शर्ट वाली और पिंक टी शर्ट वाली फ्रेंड्स होंगे? नहीं, ये बाय डिफॉल्ट हो गया, ये इंटेंशनली क्रिएट नहीं करवाया गया, ये बस तुम साथ बैठे तुम्हें ये सारी चीजें होने लगी, तो तुम्हें रियलाइज हुआ यार इन लोगों के साथ मैं जलप आराम से कर पा रहा हूं, तो ये मेरे दोस्त हैं आज से. सो ये दोस्ती फॉर्म हो जाती है अपने आप जब तुम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, और ये दोस्ती के चलते हुए जो ग्रुप तुम्हारा फॉर्म होता है वो क्या होता है? वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है. यस, आपके जो स्कूल वाले दोस्त है ना, ये आपके इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है. इंटरेक्शन अमंग पीपल एट वर्क गिव्स राइज टू नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स अमंग एम्प्लॉयज. भाई ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप ज्वाइन करते हो, चाहे वो स्टूडेंट बन के करो या ऑफिस में एम्प्लॉय बन के करो, तुम वहाँ पे पूरा टाइम मूक तो नहीं रहने वाले, चुप तो नहीं रहने वाले, बातचीत तो करोगे ना. मेरे जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं रह सकते. सो इंटरेक्शन से ऑब्वियसली सोशल रिलेशनशिप्स बनते हैं एम्प्लॉयज के बीच में, और यही सोशल रिलेशनशिप्स को आगे चल के हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का नाम देते हैं. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इमर्जेस फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ये डेलिबरेटली फॉर्म नहीं की जाती है. जैसे प्रिंसिपल सर का, वाइस प्रिंसिपल सर का, हेड मिस्ट्रेस मैम का, ये स्ट्रक्चर पूरा फॉर्म किया गया था ना इंटेंशनली टॉप मैनेजमेंट द्वारा. यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं होता, ये बस रिलेशनशिप अपने आप फॉर्म हो जाता है, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप कुछ लोगों से मिलते हो जिनसे आप बातचीत करते हो, एंड देन यू फील कि हाँ इन लोगों से दोस्ती की जा सकती है. इसके फीचर्स की बात करो तो ये बोलते हैं कि ये फॉर्मल स्ट्रक्चर से ही ओरिजिनेट होता है. अब देखो, स्कूल ना होता, ठीक है, तो क्या तुम्हारे दोस्त बनते?
ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑफिस नहीं होता, एम्प्लॉयज नहीं आ रहे होते वहां पे, तो क्या तुम्हारी दोस्ती होती किसी से? नहीं, स्कूल था, ऑर्गेनाइजेशन थी, तभी तुम्हारी दोस्ती हुई ना। तो फॉर्मल स्ट्रक्चर था, तभी तो उसकी वजह से इनफॉर्मल स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंस में आया। तो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर का जो जन्म होता है वो फॉर्मल की वजह से ही होता है। ऐसे मानो फॉर्मल उसकी मम्मी है, ठीक है। इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन आर डेवलप्ड बाई ग्रुप मेंबर्स। क्या तुमने ग्रुप में ऐसा डिसाइड किया हुआ है कि दीप्ति को अगर कोई भी काम होगा तो वो सबसे पहले सिप्ती को फोन लगाएगी, और सिप्ती उसके बाद फोन लगाएगी तिप्ति को? ऑब्वियसली नहीं। इसका मन कर रहा है इससे बात करने का, वो इसको कॉल कर लेगी। इसका मन कर रहा है इससे बात करने का, वो इसको कॉल कर लेगी। इसका मन कर रहा है इससे बात करने का, वो उसको कॉल कर लेगी। यहाँ पे कोई भी ऐसे स्पेसिफाइड चैनल्स नहीं होते कि तुझे बात करनी है तो तुझे पहले इसके पास जाना पड़ेगा, फिर उसके पास जाना पड़ेगा, जैसे फॉर्मल स्ट्रक्चर में होता था कि टीचर को पहले हेडमिस्ट्रेस के पास जाना है, फिर प्रिंसिपल सर के पास जाना है। इट हैज़ नो डेफिनेट स्ट्रक्चर ऑफ और फॉर्म बिकॉज इट इज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स। इसकी कोई भी फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होती। कभी स्कूल में देखा है मतलब दोस्तों के बीच में कि ये हमारे ग्रुप का लीडर है, इसके नीचे आते हैं ये 3 लोग, उनके नीचे आते हैं ये 7 लोग, कभी देखा है? मैं इस ग्रुप का कभी पार्टनर बनना चाहूँ अनलेस एंड अनटिल वो मुझे लीडर वाली पोजिशन दे रहे होंगे। तो बेसिकली ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म होता है इनफॉर्मल में। द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स रेदर देन ऑफिशियली लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनते हैं। कभी सुना है कि दोस्तों में के ग्रुप में एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का कोई पर्चा फहराया गया हो कि अरे आज से दोस्ती में तुम्हें ये 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 करना पड़ेगा, मतलब वादे करो कि तुम इस चीज़ को फॉलो करोगे, वादा करो कि तुम ऐसा करोगे ग्रुप के लिए, ग्रुप के 2 वर्ड्स तुम्हारी ये बनेगी ये बनेगी, ऐसा कभी देखा है? ऑब्वियसली नहीं देखा है। इट इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली एंड इज नॉट डिलिबरेटली क्रिएटेड बाई द मैनेजमेंट। ये बोलते हैं ये अपने आप पैदा हो जाते हैं, इसको मैनेजमेंट को अलग एफर्ट्स लगवा के पैदा नहीं करवाना पड़ता, ठीक है। देन बात करते हैं एडवांटेजेस के बारे में। तो ये बोलते हैं प्रिस्क्राइब लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड। यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रिस्क्राइब लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है जिसका जिससे मन करे बात करने का उसको कॉल कर सकता है वो। इट हैज़ टू फुलफिल द सोशल नीड्स ऑफ द मेंबर्स। भाई कई बार ऐसा होता है टीचर ने कुछ बोल दिया, रोना आ गया, कोई चुप कराने के लिए तो होना चाहिए ना। टीचर मज़ा नहीं आ रहा वो जो पढ़ा रही हैं, थोड़ी सी उनकी गॉसिप करनी है, थोड़े से बैक वॉचिंग करनी है, तो कोई तो ऐसा इंसान होना चाहिए ना जिसके साथ मन की भड़ास निकाल सकूं। तो सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए इनफॉर्मल स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया काम आता है। ऐसे ही समटाइम्स ऑफिस में तुम अपने बॉस की गॉसिप करना चाहते हो, तुम उनकी किसी चीज़ से खुश नहीं हो, तो वहाँ पे तुम क्या करोगे, अपने एम्प्लॉयज़ जो भी होंगे, फेलो एम्प्लॉयज़ जिनके साथ तुम्हारी दोस्ती है ऑब्वियसली, तुम उनके साथ जाके गॉसिप करोगे। ऑब्वियसली ऐसे इंसान के पास मत पहुंच जाना जो बॉस का चमचा हो, कहीं पता चले तुम्हारे खेल ही लग गए। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय कॉम्पेंसेटिंग फॉर इनएडिक्वेसीज इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो जो कमियां होती हैं उसको थोड़ा सा स्टेबल करने का काम करता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसके टूवर्ड्स लेके जाता है, ठीक है। चलिए वहीं पर लिमिटेशंस की बात करें तो ये बोलते हैं इससे र्यूमर्स बहुत जल्दी फैलते हैं। अब भाई तुम बताओ, तुम्हारे दोस्त को कोई ऐसी चीज पता चली जिसको पता भी नहीं था कि ये सही भी है कि नहीं है, उसने तुम्हें बताई, तुमने बताई 2 और दोस्तों को, उन्होंने बताई 2 और दोस्तों को, उन्होंने बताई 4 और दोस्तों को, करते 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 पूरे ऑर्गेनाइजेशन मतलब पूरे स्कूल तक वो बात पहुंच गई। स्कूल में तुमने देखा ही होगा ऐसा बहुत बार होता है, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज इतना बड़ा इशू बन जाती है और बाद में पता चलता है ऐसा कुछ था भी नहीं। तो र्यूमर्स बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं क्योंकि कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है कम्युनिकेशन का, तो डिले भी कोई वो नहीं होगा, फटाफट फटाफट आग की तरह बात फैलती है यहाँ पे। द मैनेजमेंट मे नॉट बी सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस इफ द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोजेस देम। भाई देखो, टीचर चाह रही थी कि आज तुम्हें प्लेग्राउंड में नहीं लेके जाया जाए, ठीक है, बट तुम सारे स्टूडेंट्स ने हल्ला बोल बोल दिया। तुमने बोला नहीं हम तो जाएंगे, हमारी दोस्ती ऐसी है, हमें प्ले ग्राउंड जाना ही है, हमारी दोस्ती के आगे टीचर की भी नहीं चलेगी। बेचारे टीचर को भी मानना ही पड़ेगा फिर आफ्टर अ वाइल। तो कई बार क्या होता है कुछ चेंजेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन में लाने होते हैं, बट क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि फिर ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को भी लगता है कि नहीं यार अभी इनसे पंगा लेना सही बात नहीं है, पता चले पूरा का पूरा ग्रुप छोड़ के चले गया, ऑर्गेनाइजेशन काम बीच में रुक जाएगा।
इट प्रेशराइजेज मेंबर्स टू कन्फर्म टू ग्रुप एक्सपेक्टेशंस, दिस कैन बी हार्मफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन इफ द नॉर्म सेट बाय द ग्रुप आर अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. अब ऑब्वियसली ग्रुप का हिस्सा रहना है तो ग्रुप की बातें तो फॉलो करनी ही होंगी. होता है ना कभी कभी आपके ग्रुप के मेंबर से आप नहीं भी अग्री करते हो, बट स्टिल इफ़ यू वॉन्ट टू बी इन दैट ग्रुप तो आपको उनकी बातें माननी पड़ती हैं कुछ कुछ. तो वही है कि अगर उन्होंने ऐसी कोई बात तुम्हारे सामने रख दी जो कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाती होगी, तुम्हें वो भी माननी पड़ेगी क्योंकि तुम्हें उस ग्रुप का हिस्सा रहना है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच कई बार ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान भी हो जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से. चलो इस वीडियो में बस इतना ही था. आई होप तुम्हें सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई हैं. हमेशा कोशिश करो बिजनेस स्टडीज़ को एग्जाम्पल के साथ लिंक करके पढ़ने की, उससे तुम्हें याद रहेंगी चीज़ें. एंड दैट्स इट. अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दो, दोस्तों के साथ इसे फटाफट शेयर कर लो, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही दो. मतलब प्लीज़ मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा वहाँ से. एंड अगर नोट्स चाहिए तो उसके लिए इंक्वायरी कर सकते हो तुम व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. And that's it. Thank you so much for watching this video.